हमारा राखी का गिफ्ट। वेलकम बैक टू अलकायंस व्लॉग एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरी हालत देख सकते हो, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, अब आप बोलोगे हमेशा ही रहती है। हाँ, क्योंकि बारिश में मैं भीग जाती हूँ, ज़्यादातर मैं बाइक से ट्रैवल करती हूँ ना, ताकि मैं जल्दी पहुँच जाऊँ लोकेशन में, तो भीगने के कारण आई गेस हो गई होगी। आग भी देखो, चलो चलते हैं। खा रही है, पापा भी खा रहे हैं। संडे इसलिए स्पेशल काठी दाल चावल बनाए घर पे, देखो काठा दाल चावल, वाओ। मम्मी मेरे लिए लेके आ रही है, अभी घर पे साफ सफाई चल रही है। देखो बहन और पापा और सब जाने वाले हैं, पापा और बहन साफ सफाई। यार कट्टा चूरमा और दाल खाने का मन था, बट मम्मी ने काठा दाल चावल बना दिया। बोलती आज संडे है तो काठा दाल चावल बनता है। तबीयत थोड़ी खराब है यार, मौसम भी चेंज हो रही है, देख रहे हो, खांसी वासी सब कुछ। आज ही मम्मी भर कर ले आई, देखो आप इतना सारा नहीं खाएंगे, पहले ले लो, छोड़ ले लो आप भी। तो एकदम खतरनाक वेदर है। वैसे आज मैंने सुना है कि एक एस्ट्रॉइड अर्थ की तरफ टकराने वाला है, क्या ये बात सही है? चलो आज तो पता चल ही जाएगा। मेरी मम्मी गर्मा गर्म पकौड़ा बना रही है। आप बना रहा है गर्मा गर्म पकौड़ा, मेरे को सुगंध आ गया इसलिए आ गए। देखो मम्मी बना रही है आलू का और खीरा का पकौड़ी। ऐसे वेदर पे ऐसा चीज़ बनाने के लिए धन्यवाद। अच्छा क्या मम्मी, ऐसी बना लिया करो, अपने मन से बोलना ना पड़े बस। आलू का ले जाना, रुक जा। धनिया पत्ती की चटनी है, सॉस भी दे दो भाई। टॉफी के साथ आलू का भेज दो, ठीक है? टॉफी को बोलना। हाँ। खिला के मम्मी ने मेरे लिए आलू के पकौड़े भी भेजे हैं। देखो गाइस, गुच्ची ने भी अपना खाना खा लिया, बहुत अच्छा है। देख रहे हो बारिश अभी रुक गई है, पर हवा बहुत ठंडी ठंडी चल रही है, बड़ा मस्त है। तो ऐसे वेदर में मैक्रोनी खाना तो बनता है, तो सबसे पहले मैक्रोनी को बॉयल कर लेते हैं। कुछ हॉर्लिक्स बना दिया जाए, क्योंकि मेरी को ना सर्दी लग गई है यार, तो हॉर्लिक्स पीने से अच्छा हो जाएगा। एंड यहाँ पे हमारा पास्ता बॉयल होने में टाइम लगेगा। हमारा गर्मा गर्म हॉर्लिक्स रेडी है। पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डाल देना है, क्योंकि अभी मेहनत करने का मन नहीं कर रहा, तो ऐसे ही बना लेंगे। इजी लग रहा है ना। यहाँ पे पानी डाल दिया है, थोड़ा सा डालूँगी। एंड यहाँ पे पास्ता तो डाल ही रही हूँ, डाल लेते हैं। अगर वेजीज हो तो आप लोग ऐड कर सकते हो, वेजीज को पहले फ्राई कर लो। सो गाइस, सिर्फ चार इंग्रेडिएंट्स आप भी बना सकते हो घर बैठे बैठे मैक्रोनी। बस पिज़्ज़ा पास्ता सॉस नमक एंड मैक्रोनी, साथ में पानी वानी डालकर बना डालो और चीज़ भी घस दो, बस हो गया, बन गया हमारा। इतना सर्दी हो गया, मम्मी गर्म पानी करके लाए हैं, गर्म पानी पियेंगे। साथ में मम्मी ने बाल्टी दिया है, अभी थोड़ा गर्म वेपर लेंगे तो ठीक हो जाएंगे हम। दो मिनट अभी आपकी हल्का वेपर ले रही है। ओहो, कुछ खा नहीं रहा, सुबह से ठंडी हवा चल रही है इसलिए छत पे बैठा है। देख रहे हो, अभी हम नीचे जा रहे हैं क्योंकि मेरी मम्मी ने पालक पनीर बनाई है, तो मम्मी बोली कि एक फलका खा के चले जाओ, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स लोग मुझे फोर्स कर रहे हैं आओ आओ, क्योंकि वो दूर से आई है ना, तो मुझे कह रही है आ जा भाई, मैं अकेले हूँ अकेले हूँ, तो उसके पास भी जाना है। कोई नहीं, पहले हम मम्मी के हाथों का एकदम गर्मा गर्म फलका और पनीर का मज़ा ले लेते हैं। मस्त सब्जी है एकदम, पालक पनीर एंड यह फलका बनाया गर्मा गर्म मम्मी ने। वाओ, टेस्टी लग रहा है ना आपको भी? मम्मी ने इतना टेस्टी बनाया कि मैंने एक और फलका ले लिया है। गुच्ची बैठ के देख रहा है पर कुछ खा नहीं रहा है, बताओ। हमारा राखी का गिफ्ट, अभी हम राखी का गिफ्ट ओपनिंग हो रहा है, दिखाओ इसमें क्या है। बेला वेटा, वाओ ये परफ्यूम अच्छा लग रहा है मुझे, अच्छी होती है बेला वेटा की परफ्यूम। उसके बाद तुम, हम खोलेंगे, देख लेते हैं गाइज, उसके बाद ही हम अपना गिफ्ट खोलेंगे, ठीक है? खोलो खोलो भाई, सही है, टॉवल की जरूरत है, तुम मुंह पोछा करो अपना। हमारे पास भी वही निकलेगा। सो वॉट, सो वॉट, मेरे पास निकलेगा तो गुच्ची के लिए क्या गिफ्ट है? नहीं तुमको दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखाए? मत बनाओ, तुम ऐसे भी मेरा वीडियो बनाती नहीं हो भाई, तुमको 10 बार बोलते वीडियो बना दो, आजकल नाटक इतना करती ना, आजकल क्या तुम पहले से करती हो, थक जाती है, कैमरा पकड़ने में कोई थकता नहीं है भाई। तुमको लगता है ना टावर, तुम ऐसे भी बनाती नहीं थी भाई, अभी का बात नहीं, तुम ऐसे भी नहीं बनाती थी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया टावर मिला है, मतलब कह रहा है तुम्हें नहाने की सख्त जरूरत है। टावर है भाई। सो गाइस, ये हमारी मुन्नू भाभी ने गिफ्ट दिया है, ये देखो सीधा, ये मेरा और मेरी बहन दोनों का है, हम लोगों को शेयर करना है। पैकेजिंग तो काफ़ी अच्छी है, लेट्स अनबॉक्स दिस। खुल जा सिम सिम। ओह, तो ये दिल बना हुआ है, आई किट है, लाइक इसमें मस्कारा है एंड काजल है एंड ये लॉरियल कुछ है शैम्पू, देखो। तो ये भाभी ने हमें दिया है। अब हम नेक्स्ट खोलते हैं गिफ्ट, ये वाला, तो इसमें टीटू लिखा है मेरा नाम, रेडी? तो गाइज, इसमें टावल निकला है ब्लू कलर का, तो अच्छा है, गंदा नहीं होगा, है ना। अब मेन गिफ्ट ये है जो कि बहुत हैवी है, किसने दिया है? सुमन बुआ, हमें सुमन बुआ ने दिया है। और ये ब्लू वाला किसने दिया था? ये शायद कनिका भाभी दिया है, है ना। ये बहुत ज़्यादा हैवी है, ये हमारी सुमन बुआ ने हमें दिया है। इसमें आखिर ऐसा है क्या? अरे इसमें आई गेस टाइल्स है, यू नो। ओ ये देखो, आई गेस ये ट्रे है, देखो
ये बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत हैवी था ये, पता है। चलो अब नेक्स्ट खोलते हैं, लास्ट गिफ्ट है हमारा। बहन चिढ़ रही है भाई, फटाफट खोल दो, भाग जाएगी ये। नेक्स्ट गिफ्ट मेरा भी यही है, टॉवल। मुझे भी मुंह पोछने में काम आएगा। खुश, ग्रे कलर का टॉवल है हमारे पास। इस बार बहुत सारे टॉवल्स आए, एक बड़े टॉवल, एक छोटे टॉवल और साथ में ट्रे। मम्मी का गिफ्ट निकालते हैं, ये देखो। मम्मी की 25th एनिवर्सरी थी ना, तो नीलम बुआ सुमन बुआ ने मिलकर गिफ्ट दिया। वाओ, ये बहुत सुंदर है पैंट शर्ट पापा का, है ना। और क्या है इसमें? पॉकेट परफ्यूम आई। ओके, ये पॉकेट परफ्यूम है ये, आई डोंट नो, इसको खोल के देखेंगे क्या है। नहीं, ये पॉकेट परफ्यूम नहीं है। तुम कुछ भी बोलती हो, ये मम्मी के लिए साड़ी है, देखो। ऐसा साड़ी रिच लगेंगे मम्मी को। ये पापा के फिर से पैंट शर्ट है, वाओ बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, वाओ सुंदर है। और दिखाओ, एंड साथ में ये है, क्या है ये? ओरिजिनल जिंजर ऑयल जूस है ये, आई डोंट थिंक, क्या है ये? टॉनिक है, टॉनिक है। वाओ ये सूट, मम्मी आप येलो वाला सूट पहन लेना, हाँ कीर्तन में पहन लेना, अभी शाम बाबा का कीर्तन होने वाला है। फ्रूट का ट्रे मिला है, मम्मी दिखाते हैं क्या है। ओहो, ये पॉकेट परफ्यूम है टॉफी, देख। वाओ, पॉकेट परफ्यूम नहीं बोलते इसको, इतना बड़ा पॉकेट में डालूंगी। वाओ, बहुत सुंदर है, हो गया सब, थोड़ा लगा के देख लेते गाइस। वाओ, स्मेल अच्छी। कमेंट पढ़ने की तो रितिका ने लिखा है, महंगी ड्रेस लेती हो फिर भी उसे रिपीट करती हो, इससे अच्छा सस्ते ले लिया करो, एटलीस्ट हर जगह न्यू तो पहन के जाओगे, इन्फ्लुएंसर होके कपड़े रिपीट करते हो वो भी ओकेजनली। तो यार ऐसा ज़रूरी है क्या, कोई इन्फ्लुएंसर है तो हमेशा नए नए या दूसरे कपड़े पहने? मेरे को जो कपड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ना, मैं वो हमेशा मतलब पहन लेती हूँ 2-3 बार। और आई गेस कपड़े पहनने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ जाता, नए मतलब पुराने कपड़े 10 बार पहन लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता, तो ये बात समझ नहीं आई। कोई नहीं, महंगे कपड़े इसलिए क्योंकि मेरे को समझ ही वैसे कपड़े आते हैं। कोई नहीं, योर डैड इज़ सो स्वीट, शिवानी बोला है, थैंक यू सो मच। अमित ने बोला है कि अलका दी आप बहुत क्यूट हो एंड आपके फैमिली मेम्बर्स भी, थैंक यू। कोमल ने बोला मेरा कल बर्थडे है, विश कर दो सब, सो हैप्पी बर्थडे कोमल। एंड लाल साल ने बोला यू आर ग्रेट अलका दी एंड योर ब्लॉग्स इज सो वंडरफुल, थैंक यू सो मच। बोला आप बहुत क्यूट हो, थैंक यू सो मच। अनीश ने बोला अलका एटलीस्ट ड्रेस के हिसाब से हेयर स्टाइल रखा करो, आंटी लग रही हो पूरी, क्योंकि आप मेरा हेयर देख सकते हो, इतनी शॉर्ट है ना कि अगर मैं ड्रेस के ऊपर ओपन हेयर रखूंगी तो मैं अजीब लगूंगी यार। अभी मैंने शॉर्ट करवा लिया हेयर, तो इसलिए मैं एक बांध के जाती हूँ हेयर, वरना मेरे शॉर्ट हेयर अच्छे नहीं लगते हैं मुझे।